नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। डेविड धवन एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। वो बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में राजा बाबू, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं डेविड धवन की अनसुनी कहानियां। डेविड धवन का जन्म 16 अगस्त 1955 को जालंधर में हुआ। डेविड धवन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई क्रिस्ट चर्च कॉलेज कानपुर से संपन्न की। इसके बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की। डेविड धवन की शादी करुणा धवन से हुई। इनके दो बच्चे हैं, रोहित धवन और वरुण धवन। रोहित धवन हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्देशक हैं, जबकि उनके छोटे बेटे वरुण धवन हिंदी सिनेमा में मशहूर फिल्म एक्टर हो चुके हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पास आउट होने के बाद डेविड धवन ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन वो एक्टिंग में अपना कुछ खास दम नहीं दिखा सके और उन्होंने एक्टिंग छोड़ निर्देशन की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई, जहां वो पूरी तरह से एक सफल निर्देशक साबित हुए। उन्होंने बतौर निर्देशक हिंदी सिनेमा में कई पारिवारिक कॉमेडी फिल्में दी हैं, जिन्हें दर्शकों द्वारा खुले तौर पर स्वीकारा गया है। धवन को हिंदी सिनेमा में कॉमिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक हिंदी सिनेमा के लीडिंग स्टार्स को लेकर कॉमिक फिल्में निर्देशित की। उनकी सभी फिल्में लगभग सुपरहिट रहीं। आंखें और पार्टनर एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। डेविड धवन ने हिंदी फिल्म अभिनेता गोविंदा के साथ हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी। ये संख्या है करीब 17, जिसमें ताकतवर शोला, शबनम, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, बनारसी बाबू, दीवाना, मस्ताना जैसी कई सारी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों का नया ट्रेंड सेट करने वाले सुपरस्टार डायरेक्टर और गोविंदा को सुपरस्टार बनाने वाले शख्स आज बॉलीवुड में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 90s के दौर से लेकर अब तक सुपरस्टार बने हुए डायरेक्टर हैं डेविड धवन। ये 90s के वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने उस दौर की सीरियस फिल्मों के बीच कॉमेडी का तड़का लगाया कि लोग बस उनकी ही फिल्में देखना चाहते थे। वहीं सबसे खास बात थी कि सुपरस्टार गोविंदा, उनकी फिल्मों में 90s के गोविंदा बिल्कुल फिट बैठते थे। वहीं गोविंदा के अलावा एक और स्टार थे जिनके साथ डेविड धवन ने दो बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, वो हैं सलमान खान। उन्होंने सलमान खान के साथ जुड़वा और पार्टनर जैसी सुपरहिट फिल्म दी। पार्टनर में डेविड ने सलमान और गोविंदा की धमाकेदार जोड़ी भी बना डाली। डेविड को बॉलीवुड में काफी वक्त हो गया है और इस दौरान डेविड ने हिट और सुपरहिट फिल्में ही दी हैं। डेविड के खाते में बहुत कम फ्लॉप्स हैं। उनकी पहली कॉमेडी फिल्म आंखें थी। इस फिल्म में गोविंदा और चंकी पांडे नजर आए थे। डेविड धवन की सुपरहिट फिल्मों में है मुझसे शादी करोगी, जुड़वा, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, हसीना बन जाएगी, कुली नंबर वन, बड़े मियां छोटे मियां। आंखें में उन्होंने सस्पेंस और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश किया था। एक वक्त था जब गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं था। इस जोड़ी ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में, लेकिन एक वक्त था जब दोनों में झगड़ा हो गया था और तो और लगभग 7 साल से भी ज्यादा हो गए दोनों में बातचीत बंद हो गई है। ये खबर तो पहले से ही थी कि डेविड और गोविंदा के बीच अब पहले वाले रिश्ते नहीं रहे, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने मन मुटाव के बारे में खुलकर नहीं बोला। पर एक बातचीत के दौरान गोविंदा ने अपनी पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि करीब 6 से 7 साल हो गए डेविड से मेरी कोई बात नहीं हुई। एक दिन उन्होंने मेरे सेक्रेटरी को फोन किया कि जाओ गोविंदा से कहो कि अब वो हीरो नहीं रह गए, उन्हें जो भी काम छोटा मोटा मिल रहा है कर ले। जब डेविड ये कह रहे थे तो मैं ये बात सुन रहा था क्योंकि मेरे सेक्रेटरी का फोन ऑन था। डेविड ने जब मेरे लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो मैं सिर्फ भौचक्का ही नहीं रह गया बल्कि बुरी तरह से हर्ट हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि डेविड ने ऐसा क्यों कहा। ये सारी बातें मैंने खुद सुनी क्योंकि मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि जिस समय तुम डेविड से बात करोगे अपना फोन ऑन रखना। गोविंदा की माने तो डेविड उनके लिए सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे, वो दोस्त थे, परिवार के सदस्य जैसे थे। पर इस घटना के बाद डेविड कभी उनका सामना नहीं कर पाए। लोग डेविड धवन के स्टार बेटे को छोटा गोविंदा भी कहकर बुलाते थे। तो ये है डेविड धवन की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।